दरअसल एक मंत्री जी हैं, उनका चेहरा भी दिखाएंगे और वो पत्र भी दिखाएंगे। दरअसल वो हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते। आबकारी मंत्री की हिंदी बहुत कमजोर है। 14 लाइन के पत्र में 14 से ज्यादा गलतियां हैं। टीचर की तारीफ में हिंदी का कबाड़ा कर दिया। सुल्तानपुर के दौरे पर थे मंत्री जय प्रताप सिंह जैकी। रजिस्टर में टीचर की तारीफ में गलतियां ही गलतियां करते नजर आए। एक लाइन हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते। ये देखिए, जय प्रताप सिंह आबकारी मंत्री, नाम के मंत्री, लेकिन जब पहुंचे सुल्तानपुर तो कबाड़ा कर दिया हिंदी का। तो एक लाइन हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते। और ये देखिए, निरीक्षण यही करने पहुंचे थे, इनसे कहा गया कि लिखिए, और ये देखिए, विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, उपस्थित, ये नए शब्दकोश है मंत्री जी का, लगभग, कुछ कुछ नहीं होता, याद रख लीजिए। आज के बाद मंत्री जी का यही ज्ञान है। सभी बच्चों की जगह क्या लिखा है ये तो मंत्री जी से ही जानना होगा। बच्चों की पढ़ाई क्या, कुछ भी, क्योंकि ये समझ से परे है, ये व्याकरण के अथा ज्ञानी निकले। गुणवत्ता पूर्वक की जगह पूर्वक, संबंधित, ये देखिए, स्वच्छता, स्वच्छता जितनी स्वच्छ है इस शब्द के माध्यम से, उतने ही स्वच्छ इनकी लिखाई और इनकी पढ़ाई भी लगती है। फिलहाल हिंदी ठीक से नहीं लिख पाते जय प्रताप सिंह। मंत्री तो हैं, आबकारी मंत्री वो भी। बच्चों की जगह क्या लिखा है ये मंत्री बताएंगे। मंत्री जी खेत की जगह क्या लिखा है ये वही बता पाएंगे। समझ से परे, यानी अगर किसी के लिए उन्होंने सराहनीय एक पत्र लिखा रजिस्टर में, तो उसे समझने के लिए एक नई व्याकरण की किताब खरीदनी होगी, और वो केवल इन्हीं मंत्री जी के पास मिलेगी, क्योंकि इस पूरी तरह से इस जो रजिस्टर में लिखा गया है उसका कॉपीराइट मंत्री जी के पास है। तो उनके विभाग का ही असर उन पर पड़ता नजर आया। आबकारी मंत्री हैं और मंत्री जी जिस विभाग को चला रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं नजर आया। जब उनके हाथ में रजिस्टर थमाया गया और कहा कि कुछ लिखिए, तो उनके अंदर का हिंदी प्रेमी जा गया, लेकिन इस हिंदी प्रेम ने कबाड़ा ही कर दिया हिंदी का। और खबर नोएडा से, जब